एचडीएफसी मनी बैक प्लस कोर्सेस, एचडीएफसी मिलेनिया, 500 कैश पॉइंट्स देती हूँ मैं एज अ वेलकम बेनिफिट, 1000 कैश पॉइंट देता हूँ एज अ वेलकम बेनिफिट, तो पॉइंट किसका हुआ 1-0. 50,000 रुपए खर्च करने पर मैं 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर भी देती हूँ. मैं 1,00,000 रुपए खर्च करने पर 1,000 का वाउचर देता हूँ. हाँ ठीक है, तो मैं 50,000 रुपए 500 दे रही हूँ, बराबर ही है वही बात. हाँ ठीक है, ले लो पॉइंट, तुम भी ले लो. 1-2. मैं 8 लॉन्ज एक्सेस देता हूँ 1 साल के अंदर, तुम देती हो क्या? ओके गाइस, पॉइंट इज 4-3-1. 2000 प्लस प्रीमियम रेस्टोरेंट का 15% तक का ऑफ. 15% 20% तक का ऑफ देता हूँ मैं हमारे पार्टनर रेस्टोरेंट पे डाइन आउट के थ्रू, तो पॉइंट किसका हुआ? 4-1. ओके ओके, मैं मात्र 500 रुपए लेती हूँ आपसे ज्वाइनिंग फी के तौर पर. हाँ, मैं 1,000 रुपए लेता हूँ. 0.24. ले लो पॉइंट. ओके, फिर से लेती हूँ 500 रुपए रिन्यूअल फी है बस. हाँ, मेरी 1,000 रुपए है. 3-4. मेन पॉइंट, मुझे लेने के लिए ना मात्र 20,000 रुपए की सैलरी चाहिए, तो न्यूबीज जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनके लिए बेस्ट है. मेरी सैलरी 35,000 रुपए है, लेकिन मैं इतने सारे रिवॉर्ड भी तो दे रहा हूँ. छोड़ो यार, 4-4. टक्कर दे रही हो मुझे, अभी दिखाता हूँ मुझे जीतना है. कौन जीतेगा गाइस, जल्दी कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार. बड़ी उछल रही थी ना, अब बताता हूँ मैं. 5% का कैशबैक देता हूँ Amazon, Flipkart, Myntra, BookMyShow जैसे बड़े 10 ब्रांड पे, और 1% का कैशबैक देता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर. मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, 10x कैश पॉइंट्स ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंट ऑन पार्टनर ब्रांड्स, एंड 5x कैश पॉइंट्स ऑन 150 स्पेंट ऑन EMI स्पेंट्स एंड बाकी जो मर्चेंट लोकेशंस पे खर्च करते हैं, 2 कैश पॉइंट्स ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंट ऑन ऑल अदर कैटेगरीज. पॉइंट किसका हुआ मेरे को बताओ? 5-4. अच्छा ये बताओ तुम्हारे एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है? 0.25 रुपीस एज कैश. एक कैश पॉइंट की वैल्यू में 1 रुपए देता हूँ, तो पॉइंट किसका हुआ? 6-4. बस इतना ही थे क्या? हाँ हाँ, एंड द विनर इज गाइस, प्लीज मुझे जिताओ. आप लोग कुछ अपना अपना पॉइंट बताओ और मुझे जिताओ. बताओ क्या मेरे और कुछ फीचर्स हैं क्या, जल्दी बताओ. और अगर मजा आया तो बताओ अगले कौन से कार्ड कंपैरिजन पे वीडियो देखना चाहोगे, कमेंट कर दो.